Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Abhi tak hum discuss karte aaye electric current, magnetism and electromagnetism. Aaj se hum ek naya chapter start karne ja rahe hain. It is light, one of the important units of your physics. As per the examination is concerned, अगर examination के लिहाज से भी देखें तो ये important है. It contains maximum marks in the physics. और number दो, अगर हम applications की बात करें, क्योंकि science as a whole is applicable in our daily life. लेकिन अगर light की application की बात करें तो light की application हमारी ज़िंदगी में क्या है, कितनी है, वो समझ उसकी अहमियत समझने के लिए भी यह unit पढ़ना इतना ही interesting है और important है. So let's start our today's unit. It is light. As well, हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं, what the light is. रोशनी जिसे हम कहते हैं, अगर हम इसको उर्दू में लिखते हैं तो ये रोशनी है. ठीक, तो रोशनी किससे कहते हैं? एक्चुअली ये है क्या, अगर हम किसी डार्क रूम में बैठते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है. ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम खुद से ही एक सवाल करते हैं कि हमें डार्क रूम में दिखाई नहीं देता है, दो कि अब आवर आइज आर हेल्दी, नॉर्मल और ओपन भी हैं, फिर भी ये डार्क रूम में दिखाई क्यों नहीं देता है, तो एक इंडिकेशन मिलती है कि आइज ये एक सेंस ऑर्गन है, लेकिन ये खुद नहीं देखता है. इसमें देखने की सलाहियत पैदा होती है किसी एनर्जी से, किसी ताकत से, और वो ताकत क्या है? वो ताकत है रोशनी, वो ताकत है लाइट. सो लाइट इन सिंपल वर्ड्स, जो हम सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ से आप डेफिनेशन सुनते आए हैं, इन सिंपल वर्ड्स इफ लाइट इज डिफाइंड, लाइट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी की एक ऐसी कसम है जो एनर्जी हमें देखने की सलाह देती है. ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो गिवन दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ. इसी तरह हम ये कहते हैं कि लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us the sensation of vision. जैसे sound कहते हैं, sound is also a form of energy. तो energy के different types में से एक type light भी है. तो light in simple words can be defined as is a form of energy. Is a form of energy. तो ये energy की ऐसी कसम है which gives, simple हम रखेंगे इसको, which gives sensation of sight, sensation of vision or sensation of sight you are thinking. ठीक, जब हम ये जान चुके हैं कि लाइट हज शाह एनर्जी, ये एक एनर्जी है जो हमें देखने की सलाहियत पैदा होती है, तब और एक सवाल जहन में आता है कि ये लाइट आती कहाँ से है, फिर ये लाइट कहाँ से आती है. ऑन दैट बेसिस हम देखते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सन इज एन ऑब्जेक्ट, बर्निंग कैंडल जो हम शाम को जलाते हैं कभी. ठीक, इलेक्ट्रिक लैंप, बर्निंग लैंप, बल्ब. ठीक, टॉर्च, मून, स्टार्स एंड वन लिविंग थिंग दैट इज जुगनू. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. ये जहां पे भी होते हैं दे इमिट देयर लाइट, दे इमिट दिस एनर्जी ऑफ देयर ओन. ये इमिट करते हैं इस लाइट को. एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो कि लाखों करोड़ों तादाद में आपके सामने इर्द गिर्द, आप नाम भी बता सकते हैं सैकड़ों में, जैसे आप खुद स्टोन्स, वॉल्स, बुक, टेबल, चेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वट्स एवर, अगर आप आस पास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगे जिनकी ये खासियत नहीं है कि वो रोशनी इमिट कर सकें, वो ये एनर्जी खुद इमिट करें. तो ऑन दैट बेसिस कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इमिट करते हैं अपनी रोशनी, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टोन हैं, आप ये एग्जांपल खुद लिखेंगे कि टेंथ में ये एग्जांपल लिखाना आपके शान के लिए ठीक नहीं है, या आप खुद लिखेंगे आपके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो ये लाइट इमिट नहीं करते हैं. तो वो चीज़ें जो इमिट नहीं करती हैं और वो चीज़ें जो खुद लाइट इमिट करती हैं, ऑन दैट बेसिस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दीज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एंड those objects which do not emit their own light are called non-luminous objects. अब एक सवाल फिलहाल हमें एक आंसर शायद मिला कि ये लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं
Where do we get this light from? We get this light energy from luminous objects. We get this light energy from luminous objects. We get light. ये आपको खुद बनाना है. We get light from these luminous objects. Second question is, Sun is a luminous object as I mentioned in the example. Sun is a luminous object. और अगर आपसे भी पूछा जाए कि ये Sun, how far is Sun from the Earth? Earth से Sun कितना दूर है? तो आप भी कहेंगे कि सर ये करोड़ों किलोमीटर दूर है. फिर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि जो एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ है, ये क्या बराबर सूरज तक है? आप कहेंगे नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 to 32 किलोमीटर तक हैं. ठीक है, तो ये करोड़ों किलोमीटर जो सन से लेकर अर्थ तक हैं, फिर यहाँ पर बीच में क्या है? तो आपने ये टर्म ऑलरेडी सुनी है, इट इज़ वैक्यूम. दैट इज़ डिवाइड ऑफ एनी पार्टिकल. इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी एयर नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है. और हम जो सन लाइट, हम जो ये एनर्जी ऑफ द सन हासिल करते हैं कहाँ पर? अर्थ पर. दिस सन एनर्जी कैम कम्स फ्रॉम द सन, रीचेस द अर्थ एंड पासिस थ्रू द मीडियम वेयर देयर इज नथिंग. ये एनर्जी ऐसी है कि जो एनर्जी हम तक पहुंचने के लिए सूरज से आती है, मेन सोर्स, लेकिन सूरज से आने आते आते ये एक ऐसी स्पेस में भी आती हैं जिस स्पेस में कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम. अगर हम बाकी एनर्जीज लेंगे, जैसे अभी मैं कह रहा था हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक, मैं कह रहा था साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर हम उनके साथ इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो हीट एनर्जी है ये तब हमारे पास पहुँचती है व्हेन देयर इज़ अ मीडियम, जब कोई मीडियम इसको ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए हो, जब एयर बीच में मौजूद हो, तो ये एयर गर्म गसन और ये गर्म एयर अस लारन अस बसन हीट आइस, या अगर कहीं चीज़ गर्म आ गए तथा थप करो तेल गसे हीट ट्रांसफ़र सानी बॉडी में. इसी तरह साउंड, साउंड जब मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक, जब आप बात कर रहे हैं तो मैं दूर से सुन रहा हूँ, ये कैसे? जो साउंड ट्रांसफ़र होता है इट रिक्वायर्स अ मीडियम, ये एयर की वजह से ट्रांसफ़र होता है, एयर की पार्टिकल्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लाइट एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होती है एक ऐसी स्पेस में जहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं, तो ये विदाउट मीडियम भी ट्रांसफ़र होती है. सो ऑन दैट बेसिस लाइट कैन बी डिफाइंड एज, तो इसकी अलग डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. दैट इज लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, ठीक, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Transverse electromagnetic wave which possesses energy that gives us sensation of vision. So this can be also the definition of the light, that light is a form of transverse electromagnetic wave which possesses energy that gives, us wave mein wo energy hai that gives a sensation of vision. Yahan par do terms aa gayi, transverse and electromagnetic. Pehle main ye electromagnetic define aapko samjhane ki koshish karunga. Electromagnetic wave is that wave, that form of energy. Theek, wave is also a form of energy. Electromagnetic wave is that form of energy which does not need any medium for its propagation. Propagation means to travel from one point to another medium, another point, or one medium to another medium, or one place to another place. तो electromagnet का यहाँ पर यह मतलब है कि light वो form of energy है जिस energy को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक medium से दूसरी medium तक जाने के लिए, या एक object से दूसरे object तक जाने के लिए medium की ज़रूरत नहीं है. medium बीच में होगा तब भी ये travel करेगी, अगर medium बीच में नहीं भी होगा तब भी ये travel करेगी. such type of waves which does not need any medium for their propagation, ठीक, they are called electromagnetic waves. So what is light? Light is an electromagnetic wave. Why? Because it does not need any medium, material medium for its propagation.
Are you baat samajh? Now transverse. We know that waves are of two types. Longitudinal waves and transverse waves. So wo sound waves mein padhe honge 9th mein. Transverse waves are those waves in which the particles of the medium vibrate. In which the particles of the medium vibrate in the perpendicular direction to their propagation of energy. In medium, ek to hote hain, do tarah ki transfer of energy hote hain wave mein. Ek hote hain compression aur refraction. ठीक उसी फॉर्म में उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स भी कंप्रेस और रिएफ्रैक्ट कंप्रेस होते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल होती है लेकिन दूसरी टाइप ऑफ वेव होती है उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ठीक वो साउंड वेव में पढ़िए और लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच पजेस वेव व्हिच पजेस एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन regarding the nature of light it was for hundreds of years theek before the scientists a very typical question that what is the nature of the question what is the nature of the light and different scientists ne Einstein ne Newton ne har ek scientist ne apni apni theories di aur finally jo main is waqt aap se short mein kahun jo aapko yahan pe aapko padhne ki zarurat nahi hai lekin concept aapka clear hona chahiye कि लाइट जो है ये बिहेव करती हैं बिहेव इसका जो बिहेवियर है व्हेन इट्स स्ट्राइक्स विद द मीडियम व्हेन इट्स स्ट्राइक्स विद द पार्टिकल्स व्हेन इट्स स्ट्राइक्स विद द सरफेस तो तब जो ये बिहेवियर शो करती हैं दैट्स एट दैट टाइम इट शो द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकल ठीक एट दैट टाइम और जब ये ट्रैवल करती हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स उस वक्त ये ट्रैवलिंग के दौरान प्रोपागेशन के दौरान इट बिहेव्स लाइक ए वेव सो ऑन दैट बेसिस एट राइट नाउ It is said that light is having a dual nature. और ये fixed भी नहीं है हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई और nature भी सामने आ सकता है ठीक तो फिलहाल हम ये याद रखें कि nature के लिहाज से light का dual nature है ठीक dual nature means अगर आप क्लास में सामने होते तो मैं एक अच्छी से example देता लेकिन वो example ऐसे नहीं दे सकता ठीक dual nature means yes जुबत आसन ठीक कभी एक जगह जाकर तत कर तुम सुंदर रंग और किसी दूसरी महफिल में जाएगा वहाँ उन्हीं का ठीक होने का नाटक करेगा इसी तरह लाइट के डिवल नेचर मीन्स इट बिहेव्स एट साइमल्टेनियसली इट बिहेव्स लाइक ए वेव एज वेल एज द पार्टिकल ठीक सो इट इज हैविंग बोथ नेचर्स वेव एज वेल एज द पार्टिकल एंड फॉर दिस प्रोपागेशन इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाउ यह आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि लाइट क्या है लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइन देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द लाइट जो आपको याद रखने हैं लाइट के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पहला फैक्ट यही है इट्स अ ट्रांसवर्स वेव इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन ठीक सेकेंड फैक्ट इसका यह है जो सच्चाई है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव That means it is that type of energy which does not need any material medium to propagate from one medium to another medium, from one place to another place. Third, in an isotropic medium, light always travels in the straight line. ये आपको याद रखना है तो ताकि ये जो पूरा unit समझ आए इसको समझने के लिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है तो क्या है third point? Third point is in an isotropic medium, light always travels in the straight line. What does isotropic medium mean? Isotropic means same medium, having same property. ठीक जैसे एक medium हम लेंगे vacuum, is a medium. जब तक light vacuum में travel करेगी it will travel in the straight line. अगर हम air लेंगे single, सिर्फ air ही लेंगे तो when light travels in the air it moves in the straight line. अगर हम लेंगे water is a medium. वाटर के अंदर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप और फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अगर लाइट वाटर के अंदर भी चली जाती है या वाटर के बीच में से भी पास होती है तो जब ये वाटर फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए दिस इज वाटर दिस लेयर ऑफ लाइट यहाँ तक ये एयर से आई इन एयर इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ ठीक अब ये इंटर होगी वाटर में यहाँ पर क्या होगा वो हम अलग आगे पढ़ेंगे यानी एट द इंटरफ्रेंस यहाँ पर क्या होगा वो हम अलग पढ़ेंगे यहाँ पर बेंड होगी लेकिन जब ये वाटर में ट्रैवल करना शुरू करेगी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इट विल ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाएगी इन द मीडियम यानी इन द वाटर मीडियम एज लॉन्ग एज इट ट्रैवल इन द वाटर इट विल ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ That means in an isotropic medium, light always travels in the straight line. In a किसी एक medium में light हमेशा straight line में चलती हैं without changing medium light bend नहीं होती हैं जिसकी आप
एक्सपेरिमेंट भी घर में भी कर सकते हैं। एक रॉड लीजिए, रॉड ठीक, वाटर पाइप एक दो फीट काट लीजिए उसके, या अगर छोटी घर में हो तो उसी में गुजारा कीजिए। फिर एक कैंडल जलाइए, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, आप उसी तरह का प्रैक्टिकल घर में करिए। ये कैंडल जलाइए आप, ठीक है, दिस इज कैंडल। आप एक रॉड लीजिए, ऐसे एक रॉड का टुकड़ा लीजिए, यहाँ से आप इस रॉड के बीच में से देखने की कोशिश कीजिए, इतनी जेवर आई, ठीक, एक आई बंद कीजिए, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, आपको ये कैंडल की फ्लेम अच्छे से दिखाई देगी। अब आप ऐसे ही रखिए कैंडल को, ठीक है, अब आप कैंडल को ऐसे ही रखिए और रॉड जो है, रॉड यहां पर आप आई रखिए। विल यू बी एबल टू सी दिस कैंडल, क्या आप इस कैंडल की फ्लेम को इस रॉड के बीच में से देख पाएंगे? नहीं, इट इज बिकॉज दिस इज द सेम मीडियम, दिस एयर, ठीक, तो दूसरे में आए हैं। लाइट इन द आइसोट्रॉपिक मीडियम डज नॉट बेंड, इट ऑलवेज टर्न्स, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से या ऐसे मुड़ के ऐसे बेंड होके नहीं चलेगी। सो दिस मीन्स दैट लाइट ऑलवेज इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट पाथ, प्रोपागेशन मीन्स ट्रैवलिंग, ठीक, स्ट्रेट पाथ एंड प्रोपागेशन मीन्स ट्रैवलिंग। एक तो होती है लीनियर, लीनियर मीन्स स्ट्रेट बट ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक, कंटिन्यूसली मूविंग सर्कुलर पाथ इज लीनियर, बट रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट, प्रोपागेशन मीन्स प्रोपागेट इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मीन्स दैट, शाबाश, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट लाइट इन an isotropic medium always travels in a straight path, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ इज अ बंडल ऑफ रे, दिस इज फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ कैंडल, यहाँ से मैं, यहाँ से हजारों करोड़ों रेज उठती हैं, एक रे दैट इज कॉल्ड रे, बट द बंडल ऑफ रेज, द बंडल ऑफ रेज दैट इज कॉल्ड बीम, बीम में लाखों हजारों लाखों रेज होती हैं, दैट बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, ठीक। अब बीम की तीन किस्में हैं, जो बीम ऑफ लाइट होती है ना, बीम ऑफ लाइट, इसकी तीन किस्में हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पूरी, ये जो लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन समझने के लिए। एक होती है पैरेलल बीम, दूसरी होती है कन्वर्जिंग बीम एंड तीसरी होती है डाइवर्जिंग बीम। आगे के टॉपिक्स में बहुत काम आने वाली है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या है? ए बीम ऑफ लाइट, parallel beam is the beam of light in which the rays propagate parallel to each other. So beam, yath mas tamam rays asan panwani parallel, that parallel beam, that beam of light, that beam of rays is called parallel beam. Yani beam, parallel beam gais beam yath mas rays of light asan propagate gasan parallel to each other, simple. Ab converging beam kise kahenge? Converging beam is the beam of light like this, शाबाश, what do they, शाबाश, propagate, or what do they show us, that when they are extended, they will definitely intersect each other at some point, they are going to intersect at some point. A beam in which the rays propagate to meet, so beam of light, yath mein tum tat direction mein aasan pakan, tit kanan aasan tum rays akka ke sred pakan, ki tum aasan basan, ya tum basan ki kunja to kunja karan tum paan wain intersect, that beam is called converging beam. What is that called? Converging beam. Well, converging beam is the beam in which the rays propagate to meet at a point. Theek hai? Ab diverging beam.
diverging beam in which the rays propagate in such a way that हाँ अभी जो मैं कैंडल दिखा रहा था ना ये कैंडल से जो रेज ऑफ लाइट उठती है ना वो एक ही पॉइंट से उठती हैं लेकिन आगे चलकर वो क्या होती है बिखर जाती हैं इन ऑल डायरेक्शंस ठीक दिस बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज प्रोपागेट इन सच अ वे दैट दे मूव आउट ऑफ ए पॉइंट दैट दे मूव आउट ऑफ ए पॉइंट ये वहीं से एक ही पॉइंट से जैसे निकलती हैं वो एक ही पॉइंट से जब ये निकलती हैं एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम्स जब बीम्स ऐसे प्रोपोगेट हों कि आगे चलकर वो कहीं मीट हो जाएं जो इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम्स व्हेन रेज ऑफ लाइट ऐसे प्रोपोगेट करें कि एक दूसरे के पैरेलल चलें तो इसे कहते हैं पैरेलल बीम ठीक हो गया ये भी क्लियर अब नेक्स्ट जो फैक्ट जो लाइट के बारे में है दैट इज यो इंटरेस्टिंग है दैट इज व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम सन ही लेते हैं व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू ए सब्सटेंस फॉलोज ऑन ए सरफेस और पासिस थ्रू ए मीडियम अनदर मीडियम व्हेन इट चेंजेस मीडियम और व्हेन इट इसको मैं सरफेस रखता हूँ व्हेन लाइट फॉलोज ऑन एनी ऑफ द सरफेस सरफेस एयर भी हो सकता है वैक्यूम से लेकर एयर में दाखिल होगी तो एयर सरफेस बन जाएगा एयर से लेकर वाटर में दाखिल होगी तो वाटर सरफेस बन जाएगी वाटर से लेकर गिलास में जाएगी तो गिलास सरफेस बन जाएगी एयर से लेकर गिलास में जाएगी तो गिलास सरफेस बनेगी रॉक पर गिरेगी तो रॉक सरफेस है हम पर गिरेगी तो हम सरफेस है जिस चीज़ पे भी लाइट किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की गिरती है ठीक जिस सब्सटेंस से भी ये पास होती है तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना ये है व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ सरफेस और व्हेन लाइट पासिस थ्रू ऑन अ सरफेस यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं थ्री थिंग्स हैपन ये याद रखना है क्या क्या होता है क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अब ये जो एनर्जी किसी सरफेस के साथ टकराती है सम पार्ट ये याद रखना है सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी दैट इज लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्ब्ड मे बी एब्जॉर्ब्ड ठीक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट नंबर वन Number two, some part of this energy is transmitted by the object. Transmitted by the object and some part of this light energy is sent back. Sent back by the surface. Yavaş, main phir dohrata hu. When light energy strikes a surface, When light energy from a luminous object strikes a surface, three things happen. Number one, some part of this light energy may be absorbed by the object, some part of this light energy may be sent back by the object, and some part of the light energy is transmitted by the object. All the three phenomena happen simultaneously at the same time. All the three phenomena happen simultaneously at the same time. Now, it depends upon the property of the surface. यहाँ पर याद रखिए इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस दैट वेदर इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इट ट्रांसमिट्स मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी और इट सेंट बैक मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी ऑन दैट बेसिस वी कैन क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स लेकिन लाइट की अपनी प्रॉपर्टी यही है कि वैन लाइट से ट्राई करते हैं किसी सरफेस के साथ तो इस सम पार्ट ऑफ दिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड Some part of his light energy is sent back and some part of his light energy is transmitted. अब object की quality पर depend है कि object की property पर depend है कि object absorb ज़्यादा करेगा reflect ज़्यादा करेगा यानी send back ज़्यादा करेगा या ये transmit ज़्यादा करेगा On that basis, you are well aware about the types of the object. That is why objects have been classified. It is based on the property of the light. It is based because of the impacts of the light. That when light falls on an object, objects do three things. Objects may absorb the light, some part. Objects may transmit some part of it. And they may also send back some part of it. And it depends upon the property of the object. On that basis, we have got three types of objects. That is opaque. Transparent and translucent ठीक ओपेक में फिर दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे आता है वो जो एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा ठीक वो भी ओपेक है और जो ट्रांसमिट ये रिफ्लेक्ट करेगा ज़्यादा तो वहाँ पे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर
polisher surface, wo hum aage discuss karenge, lekin filhal generally objects are of three types, that is opaque, transparent and translucent. Now on the basis of these facts, we can define the opaque, transparent and translucent objects as: opaque are the substances which absorb or send back most of the light. یم لائٹہ ہن زیادہ انرجی جو زیادہ تر لائٹ انرجی یا تو ایبزارب کریں یا پھر ریفلیکٹ کریں, ٹرانسفر اپنے بیچ میں سے زیادہ لائٹ انرجی کو نہ ہونے دیں, ٹھیک, وچ ڈز ناٹ الو لائٹ ٹو پاس تھرو دیم. اٹ ڈز ناٹ مین کہ تم چھنہ کہیں لائٹ الو کران, اٹ مینز ویری سمال پورشن آف دس لائٹ انرجی از ٹرانسفرڈ بائی دی اوبجیکٹ گیٹس ٹرانسفرڈ تھرو دی سرفیس, جو نیگلیجبل ہوتی ہیں, یعنی اتنی کم, زیادہ تر یا تو وہ ابزارو کرتے ہیں یا سینٹ بیک یا ریفلیکٹ کرتے ہیں. سچ ٹائپس آف اوبجیکٹ آر کالڈ اوپیک اوبجیکٹس, اینڈ دیر آر انیمریبل ایگزامپلز بفور یو, یوز یو کین سلیکٹ اور چوز آف یور اون. ٹھیک, جیسے ستون ہیں, ارتھ ہیں, جو بھی ہیں چیئر ہیں, جو آپ خود کریں گے. ٹرانسپیرنٹ, اب ٹرانسپیرنٹ کون سے آبجیکٹس ہیں؟ دوز آبجیکٹس وچ الو موسٹ آف دا لائٹ انرجی ٹو ٹرانسفر تھرو دیم, وچ مے ٹرانسمٹ موسٹ آف دا لائٹ انرجی تھرو دیم. یمو آبجیکٹو منز موسٹ آف دا لائٹ انرجی ٹرانسفر گژھِ کم گژھِ ریفلیکٹ, کم گژھِ ایبزارو. ٹھیک, سمال پورشن آف لائٹ انرجی از ابزاربڈ اور سمال پورشن آف لائٹ انرجی از سینٹ بیک اور ریفلیکٹڈ. Maximum light energy is transmitted by the object, yani allowed to pass through the object. Such objects are called transparent objects. Jaise ki glasses aapke kamron mein lage hue hain, they are transparent. The translucent objects are those objects, jaise is waqt jo hain clouds hain, is waqt din ke 2 baje 2:30 baje ke kareeb honge, اس وقت برائٹ لائٹ ہونی چاہیے, کیونکہ سن جو اس وقت ہے وہ پورا آسمان پہ ہمارے سامنے, ٹھیک, اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے, لیکن پھر بھی برائٹنس کم ہوئی ہے. لیکن برائٹنس جس چیز سے کم ہوئی ہے, دیار کلاؤڈس ہی ہم جانتے ہیں. اب کلاؤڈس اگر ہم کہیں گے اوپیک ہیں, تو اوپیک ایسے سبسٹنس ہیں وچ ڈز ناٹ الاؤ میکزیمم لائٹ ٹو پاس تھرو دیم, تو یہاں ڈارکنیس ہونی چاہیے, تو پھر وہ ابزارو کرتے اگر اوپیک ہوتے یا ریفلیکٹ کرتے یہاں نہیں چھوڑتے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ہے. اب اگر ہم کلاؤڈس کو ٹرانسپیرنٹ کہیں, تو پھر لائٹ کی جو ٹرانسمیشن اس سے پہلے تھی, کلاؤڈ سے پہلے تھی, وہ کم نہیں ہونی چاہیے تھی, سُہ گژھِ تیٖژٕے برائٹ آسٕنۍ, تھوڑا بہت اگر کم گژھِ اس نہٕ اَسہِ باسے کیٚنٛہہ, مگر اَسہِ چھُ باسان وٕنکیٚنَس لایٹ چھِ واریاہ کم گٔمٕژ, جیسے 50-50 ہو گیا ہے اس کی برائٹنیس کا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کلاؤڈس نہ تو ٹرانسپیرنٹ ہے نہ ہی اوپیک ہے, یہ نہ میکزیمم لائٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ لائٹ کو ابزارو کرتے ہیں, یہ برابر کرتے ہیں. ٹھیک, یہ دونوں چیزیں برابر کرتے ہیں, یہ ایکولی کرتے ہیں دونوں چیزیں, دے ٹرانسفر اینڈ ابزارب اور ریفلیکٹ. ٹھیک, ایکول اماؤنٹس آف لائٹ, دیٹ از یہ ہاف آف دا لائٹ, آلموسٹ ہاف آف دا لائٹ از ادھر ابزارب اور ٹرانسمیٹڈ, اینڈ ہاف آف دا لائٹ انرجی از الاؤڈ ٹو ٹرانسفر. سچ آبجیکٹس آر کالڈ ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس. سو آن دا بیسز آف دس فیکٹ دیٹ لیٹ وین لائٹ فالز آن این آبجیکٹ آن اے سرفیس, some part of its light energy is absorbed, some part of its light energy is transmitted, and some part of its light energy is sent back. Objects are of three types: opaque, transparent and translucent. Next and last is speed of the light, that's velocity of the light, though it is a wave. See, velocity of the light is different in different mediums. In vacuum, velocity of the light is v is velocity of the light, it is 3×10⁸ meter per second. یہ آپ یاد رکھیے گا, 3×10⁸ meter per second, it is in vacuum, or we can say that approximately the same speed, it is 2,99,000 something in the air. Air waves کی speed بہت کم change ہوتی ہیں, تو we can take this speed in the air as well. ٹھیک, فار دا نیومریکل پرپزز وی کین ٹیک دا اسپیڈ آف لائٹ ان دا ایئر ایز ویل, 3×10⁸ میٹر پر سیکنڈ. دس واز آل اباؤٹ دا انٹروڈکشن آف دا لائٹ, ہوپ یو انڈرسٹینڈ, بٹ آئی ول ریکویسٹ یو آل ٹو کاپی ڈاؤن آل دا پوائنٹس سو دیٹ اٹ مے ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر دا لائٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی. تھینک یو فار واچنگ, خدا حافظ.